हे गाइस, हाय, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? और कमल ने लाइट जैसे ही ऑन करी मेरा फेस एकदम चमकने लगा. गाइस, सो आज है सैटरडे और जाना था हमें हनुमान दादा के मंदिर. और अब हम चले कोट गणपतिपुरा, गणपति दादा के मंदिर. सो अभी रेडी नहीं हुई, मेरे बाल भी बनाने बाकी, अभी सूखे हैं थोड़े थोड़े से, और मैंने ये ड्रेस पहना है. गाइस, ये है कलिकुंड मंदिर, कलिकुंड तीर्थ, जो कि पूरे का पूरा पालीताना जैसा बना हुआ है. अंदर की साइड बहुत बड़ा है. मैंने मेरी चैनल पे वीडियो उसका भी अपलोड किया हुआ है, आप जाके देख सकते हो. और गाइस, ये कलिकुंड तीर्थ द्वारका में है. मेरे कमल एक्टिवा चला दे हुए, हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं एक्टिवा लेके, बाकी हम कार से ही जाते हैं. गाइस, देखो यहाँ पे है जियान सुपर मार्केट, जहाँ से मैं पूरा राशन लेके आती हूँ. ये है बजरंग स्वीट, जहाँ से हम लोग लाते हैं श्रीखंड. श्रीखंड को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है. गाइस, फिर रेडी होके, फेस पे कवर नहीं किया है, बाल पूरे उड़ रहे हैं हवा में. गाइस, वो था मोमोज पिज्जा, जहाँ का मैं वीडियो बनाना सोच रही थी और वो बंद हो गया. गाइस, न्यू रेस्टोरेंट बन रहा है जहाँ पे हम जरूर जाएंगे. क्या बोलते हो कमलकांत? क्या जाएंगे? कमल अभी वड़ा पाव खा के आए. ये घर पे होते हैं ना, पूरा दिन मेरे को बोलते हैं ये बना वो बना, और मैंने आज वड़ा पाव बनाया गाइस, और उन्होंने वड़ा पाव खाया. कमल माता जी भी. गाइस, यहाँ से हम खेड़ा जाते हैं. ये है पुलेन चौकड़ी, पुलेन चौकड़ी. ओ, बहुत धूप आ रही है सामने की तरफ से. सामने ही एकदम सूरज सामने ही है. कमल को दिक्कत हो रही है थोड़ी सी. कमल को क्या चाहिए? बादल चाहिए, बादल. वो बोल रहे थे बादल आए ना, चल चल फटाफट हम निकल जाते. और जैसे ही हम निकले ना, बादल हट गए, सूरज आ गया. और शाम के 6:15 है गाइस, तो अभी भी इतनी धूप अभी भी है. 7:00 अंधेरा होने वाला है कमलकांत. गाइस, ये है प्रेमवती, जहाँ के समोसे मुझे बहुत पसंद है. गाइस, यहाँ पे बादल आ गए हैं और कमल को एकदम शांति हो गई है, रिलैक्स हो गए है कमल. और कैमरे में भी मैं दिखाई दे रही हूँ. कैमरे में कहाँ, मैं मिरर में भी दिखाई दे रही हूँ. गाइस, देखो तो सही कितना अच्छा मौसम हो रहा है. वाओ, और ये रोड पूरा खाली है. हमारा फेवरेट है ये रोड भी. बहुत मजा आता है यहाँ पे ड्राइविंग करने में. कमल जब मुझे गाड़ी सिखाते थे ना, तब यहाँ पे लेके आते थे हैं कमल, एक यहाँ पे और एक वर्तमान हाईवे, जहाँ पे ट्रैफिक कम होता था, और फिर वहाँ पे मैं गाड़ी सीखती थी. एक्चुअली मैंने ड्राइविंग स्कूल से ही सीखा है, लेकिन उसके बाद जो ट्रेनिंग थी वो मेरे पति देव ने दी है. फिर से आ जाइए गाइस, यहाँ पे देखो पूरे के पूरे खेत, सब इन लोगों ने ना खेत में हल लगा के रखा होगा, और ये जैसे ही बारिश आएगी ना, फिर वो लोग यहाँ पे खेती करेंगे. और कितने एकदम खाली खाली लग रहे हैं. यहाँ पे हम जब आते हैं ना मॉनसून में, तब बहुत हरियाली होती है. गाइस, यहाँ पे हमने बहुत सारे शॉर्ट वीडियो बनाए, और कमल ने एक्टिवा स्टार्ट कर दिया है. वो मेरी राह देख रहे हैं, वेट कर रहे हैं, और वो भाग गए गाइस, मुझे छोड़ के. रुको गाइस, वो भाग गए हैं मुझे छोड़ के. बोल रहे हैं कि तू वीडियो बना, मैं भागता हूँ आज ना. पूरा थका दिया है, इतना उनसे काम करवाया है मैंने, इतने वीडियो शूट करवाए, तो वो भाग गए. हाईवे से हम जा रहे हैं ना, वो बगोदरा हाईवे है, और हमें जाना है कोट गणपतिपुरा.
गाइस यहाँ पे अलाउड नहीं है वीडियोग्राफी फोटोग्राफी, सो मैं बाहर से दिखा रही हूँ मंदिर, गणपति दादा का मंदिर। और आरती जस्ट फिनिश ही हुई और हम लोग आए हैं, तो अच्छा हुआ आरती का भी दर्शन हो गया है। और यहाँ पे देखो इसकी कोतरनी कितनी अच्छी सकी हुई है। संकट चौथ या फिर गणपति चौथ होती है ना, तो यहाँ सब कुछ भरा हुआ होता है, इतनी भीड़ होती है यहाँ पर। और मंदिर में अलाउड नहीं है कैमरा। यहाँ के वेफर काफ़ी ज़्यादा फेमस है, केड़ा वेफर। यहाँ की केड़ा वेफर क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छी आती है, मैंने पहले भी व्लॉग में दिखाया है। और ये है मंदिर पूरा, और इतनी सारी गाड़ियाँ पार्किंग में हैं। और ये गौ माता देखो कहाँ पे है, क्या कर रही है, उसको भी गर्मी लग रही है। एंड काफ़ी अंधेरा हो गया है, अब हमें घर को निकलना चाहिए। सो गाइस हम धोड़का पहुँच गए और यहाँ पे है हमारा गन्ने का जूस, शेरडी का रस, अर्ध गुजराती अर्ध हिंदी, शेरडी को रस पी रहे हैं हम दोनों। ओके गाइस, सो कल रात को हम आए, शाम को 8:30-9 बजे तक हम आ गए थे घर पे, और थोड़ा मेहमान आ गए तो मैंने व्लॉग एंड नहीं किया। इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय।